दोस्तों, क्या आपने कभी बंदरों को स्वाभाविक रूप से मरते देखा है? क्या आपने कभी किसी बंदर को कुत्ते, बिल्ली, चूहे या गाय आदि की तरह मरा हुआ देखा है? जी हाँ, ये सच है कि स्वाभाविक रूप से मरने वाले बंदरों की मौत कोई नहीं देख सकता। उन्हें मृत्यु से कम एक सप्ताह पहले ही अपनी मृत्यु की तिथि का आभास हो जाता है। तब से बंदर एक सुरक्षित स्थान चुनता है और बिना किसी भोजन या पानी के चुपचाप बैठ जाता है। वो भी एक सप्ताह बंदर तपस्या करेगा। जब आप इस जानकारी को गिनते हैं तो किसी भी अन्य चमत्कार से अधिक तथ्य ये है कि ये एक सप्ताह के लिए एक ही स्थान पर बैठता है। ये बिल्कुल सच है कि जब एक बंदर मरने वाला होता है तो वो चुपचाप और अन्य जानवरों को बिना किसी परेशानी के घने जंगल में दीमक के पास लेट जाता है और दीमक को उस पर भोजन करने देता है। दीमक उसके शरीर को खा जाती है, यहां तक कि अगर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सड़क पर मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उन्हें घसीटते हुए दीमक के पास तब तक रखेंगे जब तक कि शरीर गायब न हो जाए। अंजनिया ने जो वरदान मांगा था और श्री राम द्वारा दिया गया था, उनमें से एक ये था कि उन्हें मरने की स्थिति का पता होना चाहिए और बिना किसी को परेशान किए दीमक को खिलाना चाहिए और उनके शरीर के अंग किसी को दिखाई नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।